घड़े से पानी निकालने के लिए उसकी निर्मम हत्या की है, तो हत्या का बदला हम जरूर लेकर रहेंगे और उस शिक्षक को फांसी पर चढ़वा कर रहेंगे। प्रधानमंत्री तक और सरकार तक पहुंचाने के लिए आए हैं, जो राजस्थान के जालौर में एक इंदर मेघवाल की स्कूल के अंदर एक अध्यापक के द्वारा पानी पीने के पीछे घड़े से पानी निकालने पर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, पीट पीट के हत्या कर दी गई। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को और राज्य सरकार अशोक कुमार गहलोत जी को ये बता देना चाहते हैं कि या तो उस परिवार को, मृतक परिवार के आश्रित को 1 करोड़ रुपया दीजिए, उनको स्कॉटी दीजिए और दलित समाज के साथ न्याय कीजिए, वरना आपकी सरकार को वाल्मीकि समाज जालौर में आके, राजस्थान में आकर आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे और आपको सरकार से, सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। राजस्थान में तो सर कांग्रेस की सत्ता है। हाँ, राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता है। तो कांग्रेस मौन क्यों है? कांग्रेस मौन इसीलिए है कि वो कहीं ना कहीं हत्यारा उस सरकार का कोई ना कोई रिश्तेदार है, अशोक कुमार गहलोत जी का जानने वाला है। तो अशोक कुमार गहलोत जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत जल्दी कोई उचित कदम उठाइए, वरना हम वाल्मीकि समाज, वरना वाल्मीकि समाज कोई भी आहुति और कोई भी त्याग के लिए तैयार है और जालौर कूच करने वाले हैं। सर आए दिन मामले आते हैं, कब होगा दलितों बहुजनों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो कब कम होगा? देखिए, 75 वर्ष हो गए देश को आजाद हुए, लेकिन वाल्मीकि समाज, दलित समाज आज भी गुलामों जैसी जीवन जीने को मजबूर है। देश के प्रधानमंत्री प्रयागराज के अंदर सफाई कर्मचारियों के, वाल्मीकि समाज के पैर धोते हैं। ये झूठा नाटक बंद कीजिए और जो हमारे साथ अत्याचार हो रहे हैं, जो हमारे साथ अन्याय हो रहे हैं, उस अन्याय की तरफ देखिए और कोई घोर कदम उठाइए, वरना इस सरकार के विरुद्ध हमारा विगुल बजेगा, दलित समाज जागरूक होगी और आपकी ईंट से ईंट बजाई जाएगी। टीचर जो कि शिक्षा देता है, जो सबको ये सिखाता है कि हम सब एक हैं, सब धर्म एक हैं, और वही इस तरीके का अत्याचार कर रहे हैं। देखिए, विद्यालय शिक्षा का मंदिर होता है और अध्यापक आज के आने वाले भविष्य को संवारते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि वो जिसने हत्या की है वो शिक्षक नहीं है, वो हत्यारा है, वो भक्षक है। हमारे एक दलित समाज के बच्चे को पानी पीने के पीछे घड़े से पानी निकालने के लिए उसकी निर्मम हत्या की है, तो हत्या का बदला हम जरूर लेकर रहेंगे और उस शिक्षक को फांसी पर चढ़वा कर रहेंगे। तो आप लोगों का ऐसी धरना चलता रहेगा? ये हमारा धरना, हमारा आंदोलन पूरे भारतवर्ष में चलेगा, पूरे हिंदुस्तान में चलेगा और दिल्ली के वाल्मीकि समाज के प्रत्येक व्यक्ति ये कमर कस चुके हैं, प्रतिज्ञाबद्ध है, जालौर में जाकर उस केंद्र उस सरकार की, कांग्रेस सरकार की ईंट से ईंट बजाएंगे और उनको चैन से नहीं बैठने देंगे। वाल्मीकि समाज के साथ और भी समाज बहुत जुड़ चुके हैं और हम बात ये राजस्थान सरकार को नहीं छोड़ेंगे। सर बात करें हम, जब कहीं और कोई घटनाएं घटती हैं या कहीं भी घटना घटती है ऐसी, तो अन्य पार्टी के मुखिया जो है बयानबाजी करते हैं, लेकिन इस समय जो विपक्ष पार्टी के लोग हैं वो क्यों मौन है? मैं विपक्ष को भी कहना चाहूँगा कि ये घोर निर्मम हत्या है। अगर आप वाल्मीकि समाज के, दलित समाज के पक्ष में आकर हमारे लिए, हमारे इस, हमें न्याय नहीं दिलवाते और हमारे साथ नहीं आते, तो हम ये समझ लेंगे कि आप भी उस भ्रष्टाचारी और उन हत्याओं के साथ जुड़े हुए हैं। अभी आप लोगों ने न्यूज जरूर देखा होगा कि राजस्थान में एक टीचर ने, जो कि बच्चे दलित परिवार से आते थे और घर से पानी निकाल के पी गया था और उसको पीट पीट कर हत्या कर दिया टीचर ने और उसका मौत हो गया। तो क्या शिक्षा के जो मंदिर है उसमें अब यही बाकी रह गया है? आप अपना कमेंट जरूर दें।